हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडजॉइंट पढ़ेंगे। एडजॉइंट जो हमारा सोल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स आएगा, 100% 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसके लिए हेल्पफुल एडजॉइंट। तो पहले हम एडजॉइंट देखते हैं बेटा। व्हाट इज द एडजॉइंट? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स द ट्रांसपोज, ट्रांसपोज पढ़ा था ना हमने। व्हाट इज द ट्रांसपोज? ट्रांसपोज था ए इक्वल टू ए बी सी डी है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज क्या होता है? रो को हम कॉलम में चेंज कर दें, ए बी सी डी, दैट इज द ट्रांसपोज। द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर, अब कोफैक्टर के बारे में पता होना चाहिए हमें। कोफैक्टर क्या था? किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर होता है ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर i+j इंटू एम आई जे, ये हमने पढ़ा था, -1 की पावर i+j इंटू एम आई जे, ये हमने पढ़ा था कोफैक्टर। यानी कि -1 की पावर i+j इंटू माइनर, ये हमने कोफैक्टर और कोफैक्टर ऑफ माइनर वाले सेशन वाले दिन किया था। द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हाट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ द कॉलम्स। एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर रो की संख्या कॉलम की संख्या के इक्वल हो। तो बच्चे यहां पर आज हम पढ़ रहे हैं एडजॉइंट। भी कोई भी मैट्रिक्स है ए, सपोज कर लेते हैं हम इसके एलिमेंट a21, a12, a13, a21, a22, दैट इज द, कोई मैट्रिक्स है। अब बेटा इसका कोफैक्टर लेते हैं हम, तो इसका कोफैक्टर लेंगे दैट इज a11, a12, a21 और a22, ये होगा हमारे पास कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर का यदि हम ट्रांसपोज करें तो दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। भाई किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है द ट्रांसपोज, ट्रांसपोज है किसका भाई? ऑफ द कोफैक्टर, कोफैक्टर का ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का। यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो दैट इज कॉल्ड ट्रांस, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, उसको हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू और हम क्लियर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 2 -3 4 -5, इस टाइप से लेते हैं हम। अब बेटा इनका हम एडजॉइंट लेना है, तो एडजॉइंट लेंगे पहले हम, पहले हम इसका कोफैक्टर लेंगे a11 क्या होगा? 1 और 1 2, इवन है भाई, तो प्लस का साइन लगा दीजिए और इसी का कॉलम इसी का रो छोड़ दीजिए, क्या आएगा? -5, तो दैट इज इक्वल टू -5। अब a12 लीजिए, तो a12 ऑड है भाई, तो माइनस इसी का कॉलम इसी का छोड़ दीजिए, तो क्या आएगा? 4, तो माइनस का 4। सिमिलरली a21 ऑड है, माइनस इसी का कॉलम इसी का छोड़ दीजिए, तो क्या आएगा? -3, तो +3 आ गया। a22 क्या आएगा? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़िए भाई, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे हम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ी
तो क्या रह गया, टू, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसका एडजॉइंट लिखेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या कहलाएगा भाई, इसका कोफैक्टर क्या आया माइनस फाइव, इसका कोफैक्टर क्या आ गया माइनस फोर, इसका कोफैक्टर थ्री, इसका कोफैक्टर टू, और उसका ट्रांसपोज, तो दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो माइनस फाइव माइनस फोर थ्री टू, तो दैट इज द एडजॉइंट ऑफ ए। भाई कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वेयर मैट्रिक्स, उसके कोफैक्टर लेते हैं और उसको हम ट्रांसपोज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। इसका आप शॉर्टकट वे देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या है टू माइनस फाइव, यहाँ पर क्या गया माइनस फाइव प्लस टू, यानी कि ये प्लेस तो इंटरचेंज हो गए, इनको हम इवन प्लेस बोल सकते हैं। इवन प्लेस कैसे भाई, यहाँ पर ये प्लेस कौन सा है ए वन वन, और ये कौन सा है ए टू टू, वन और वन टू, टू और टू फोर, तो इवन प्लेस इंटरचेंज हो गई। जहाँ पर ये माइनस फाइव नीचे था ये ऊपर आ गया, ये टू ऊपर था ये नीचे आ गया, और जो ओड प्लेस है ये ओड प्लेस है भी, इनके साइन चेंज हो गए। कैसे, ये माइनस थ्री है तो क्या देगा प्लस थ्री, प्लस फोर है तो क्या आ गया माइनस फोर। तो ये हमें टू इंटू टू का याद रखना है, थ्री इंटू थ्री ऑर्डर में लागू नहीं होता, ओनली ये मेथड शॉर्टकट मेथड टू इंटू टू ऑर्डर में लागू होता है। ऐसे ही हम थ्री इंटू थ्री ऑर्डर में कर सकते हैं कि भाई ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। अब इसके आप एडजॉइंट लेना चाहें तो क्या आएगा, इनके कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो देखो भाई ए वन वन है, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। अब इनका हम ट्रांसपोज ले लें तो ये क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो दैट इज द एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, फिर रिपीट करते हैं, द ट्रांसपोज, क्या है ट्रांसपोज, किसका भी ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर, कोफैक्टर का भाई, किसका कोफैक्टर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर लें, उससे जो मैट्रिक्स बनेगा उसका हम ट्रांसपोज करें, तो दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। ये मैंने बाय एग्जांपल समझाया है, और इसको हम थ्री इंटू थ्री ऑर्डर में लगा सकते हैं। टू इंटू टू ऑर्डर का एक शॉर्टकट भी है, क्या, इवन प्लेस को इंटरचेंज कर दो और ऑड प्लेस के साइन चेंज कर दो। इनको हम ऑड प्लेस बोलते हैं क्योंकि इनका सम ऑड आएगा, और इवन प्लेस दैट इज द इवन प्लेस, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, दैट इज द टू इंटू टू ऑर्डर। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडजॉइंट की जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू और वन वन मार्क्स के क्वेश्चन के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज हमें ओनली वेरीफाई करनी है, प्रूव नहीं करनी, एग्जाम में कोई प्रूव करने नहीं आती, हमें बस ओनली वेरीफाई करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिकल मैट्रिक्स।
फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले लिया है कि ए इक्वल टू टू माइनस थ्री फोर माइनस फाइव, ये हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था, इसका एडजॉइंट लिया तो एडजॉइंट हमने अभी कहा है क्या इवन प्लेस को इंटरचेंज कर दीजिए माइनस फाइव टू और ऑड प्लेस के साइन चेंज कर दीजिए थ्री माइनस फोर, क्योंकि मेरे लिए टू इंटू टू ऑर्डर करना थोड़ा आसान रहेगा, थ्री इंटू थ्री करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, आप थ्री इंटू थ्री ऑर्डर ट्राई करते हैं। तो अब हमारे पास हम वेरीफाई कर रहे हैं प्रॉपर्टी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिकल मैट्रिक्स। जैसे आप ए इंटू एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई कीजिए भाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं हम टू माइनस थ्री फोर माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव थ्री माइनस फोर टू मल्टीप्लाई कीजिए टू को इससे माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस टेन, माइनस थ्री को माइनस फोर से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस ट्वेल्व, टू को थ्री से मल्टीप्लाई कीजिए सिक्स, माइनस का सिक्स फोर फाइव जा माइनस ट्वेंटी माइनस प्लस ट्वेंटी फोर थ्री जा ट्वेल्व और माइनस फाइव टू जा टेन, क्या आ गया आंसर टू जीरो जीरो टू टू वन जीरो जीरो वन। अब देखिए भाई इसका चेक कर लीजिए इसका डिटरमिनेंट टू आएगा, चेक कर लो चाहिए आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए टू को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस टेन और इसको कीजिए तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस का ट्वेल्व, तो ये आ गया टू, तो टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया और ये टू इंटू टू ऑर्डर का है इसलिए आई टू आ गया एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स और क्योंकि स्क्वेयर मैट्रिक्स होता है तो इसलिए हम एन इंटू एन लिखने चाहे एन लिख लेंगे। तो यह हमारे पास आ गया, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इसके इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिकल मैट्रिक्स, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, प्रॉपर्टी सेकंड एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज जीरो, किसी भी जीरो मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं तो उसका आंसर जीरो ही आएगा, ऐसे ही एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिकल मैट्रिक्स यदि हम किसी भी आइडेंटिकल मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं तो वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स ही आएगा, दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी थर्ड एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है जैसे हमने ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये पहले आता है और ये बाद में, तो उसी का अफेक्ट होता है क्योंकि इसमें भी ट्रांसपोज होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बी पहले आएगा और ए बाद में क्योंकि वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन इज नो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज कम्यूटेटिव, कि मल्टीप्लीकेशन जरूरी नहीं है कि ये कम्यूटेटिव हो। प्रॉपर्टी फोर्थ है क्या कि हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट यह होता बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर
एन माइनस वन, डिपेंड ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने लिया इस एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट कितना है 2, एन एन इज द ऑर्डर, ऑर्डर कितना है यहाँ पर 22 ऑर्डर का है, 2 माइनस 1 कितना आएगा 2 आंसर आएगा, यानी कि इसका भी डिटरमिनेंट यही आएगा 2। आप चेक करके देख लेना, ये मत देख लेना भाई ये इक्वल होता है, तो बाय चांस 2 × 2 ऑर्डर का है इसलिए इक्वल आ गया, 3 × 3 ऑर्डर का लेते हैं हम तो इक्वल नहीं आता। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। फिर प्रॉपर्टी फिफ्थ है एडजॉइंट ओ, एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू, एन इज द ऑर्डर, ये प्रॉपर्टी हो गई। यानी कि इसका आप एडजॉइंट ले तो एडजॉइंट क्या आएगा दोबारा यही आ जाएगा, इसको इसका एडजॉइंट नहीं 2 − 5 और ये हमारे पास इंटरचेंज करेंगे साइन। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए। प्रॉपर्टी सिक्स एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, अब इसका डिटरमिनेंट ले हम, यह आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन का स्क्वायर। बेटा वन टाइम एडजॉइंट का डिटरमिनेंट लिया था तो इसकी पावर वन आ गई, टू टाइम का लिया हमने तो पावर टू देगी। ऐसे ही प्रॉपर्टी सेवन्थ है, ये कंपटीशन में बहुत काम आती है कि भाई एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ आर टाइम का एडजॉइंट ऑफ ये आर टाइम है, एडजॉइंट ऑफ ए आर टाइम, इनका डिटरमिनेंट लेना है। ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर आर एन माइनस वन की पावर आर। जैसे एग्जाम में आ जाए कि भी ए तो ये है, अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट लीजिए भाई, तो हम इसका क्या आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, एन मतलब ऑर्डर कितना आ गया 2 ऑर्डर है, 2 में से बन गया 1 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी आर, कितनी टाइम है 1, 2, 3 इसकी पावर 3 एंड इट मीन 2 की पावर 3 क्या आ गया 8, तो 8 आंसर आ जाएगा। यह आ गया हमारे पास, तो इस तरह से हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एडजॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन, क्योंकि हमें आना ही है एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये और एज ए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक और लिख लीजिए प्रॉपर्टीज 8 एडजॉइंट ओ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ओ ए होल ट्रांसपोज। कहने मीन्स ये है कोई भी मैट्रिक्स है पहले हम उसका ट्रांसपोज करें फिर एडजॉइंट लें, या पहले एडजॉइंट लें फिर ट्रांसपोज करें। जैसे यहां पर ए मैट्रिक्स है, आप इसका ट्रांसपोज करते हैं क्या आएगा 2 − 3 − 4 − 5 फिर हम इसका एडजॉइंट लेते हैं क्या आएगा, यह आएगा इसको इंटरचेंज करें −5 − 2 − 4 और इसकी साइन चेंज −4 − 3 दैट इज द एडजॉइंट।
और या हम बाद में करें, पहले एडजॉइंट लेते हैं फिर ट्रांसपोज करें, तो एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये माइनस फाइव थ्री माइनस फोर टू दैट इज इक्वल, यानी कि पहले आप ट्रांसपोज कीजिए फिर एडजॉइंट कीजिए या पहले एडजॉइंट कीजिए फिर ट्रांसपोज कीजिए, तो बात एक ही है। ओके, थैंक यू, स्टे होम स्टे प्रोटेक्ट।